नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो है उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश में भारत कौन से इनमें स्थान पर है। तो ये भारत देश का स्थान आपने इनमें बताना है। ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तीसरे। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, तो उसके अनुसार जो ये जलवायु आपदा है इससे प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत को तीसरा स्थान मिला है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम कल वाला जो हमारा क्वेश्चन था उस पर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है। ये कौन से राज्य की सरकार है जिसने जो सरकारी नौकरियों में 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण रखा है। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पंजाब की जो सरकार है इसने जो सरकारी नौकरी होती है उसमें 33% जो महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने COVID-19 की दूसरी वैक्सीन की शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है। तो कौन सा देश है जिसने COVID-19 की जो दूसरा जो ट्रायल था उसको भी अब स्वीकृति दे दी है। ऑप्शन है जापान, भारत, रूस या पाकिस्तान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रूस देश। तो हाल ही में जो रूस देश है इसने जो है सबसे पहले जो वैक्सीन बनाने का दावा किया था और उनका जो ट्रायल था वो सफल भी रहा था। तो उसके बाद जो है अब दूसरी जो वैक्सीन है इसके ट्रायल को भी जो स्वीकृति दे दी गई है। तो ये देश है रूस। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने के बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। तो ये जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है इसने 14 महीने के बाद किसे जो है रिहा कर दिया है। ऑप्शन है हमारे महबूबा मुफ्ती, यासीन मलिक, मीरवाइज उमर फारूक या सबीर शाह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महबूबा मुफ्ती। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो महबूबा मुफ्ती है उसे 14 महीने की नज़रबंदी के बाद जो रिहा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से जो अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश दिया है। तो जो केंद्र की सरकार ने किसान रेल जिसमें जो है किसानों के जो फसल सब्जी है उनको जो ढुलाई की जाती है, तो उस पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश दिया है। ऑप्शन है 70%, 50, 10 या 30%। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 50%। तो केंद्र की सरकार ने जो किसान रेल है जो एक स्पेशल रेल चलाई गई थी इसके माध्यम से फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर जो 50% की जो सब्सिडी है ये देने का आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है। ऑप्शन है जापान, नेपाल, इराक या अमेरिका। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो हाल ही में जो अमेरिका देश है इसने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किन के जन्मदिवस पर जो मनाया जाता है। ये जो विश्व छात्र दिवस है ये किन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, APJ अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा या अल्बर्ट आइंस्टाइन। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो प्रतिवर्ष जो ये विश्व छात्र दिवस जो मनाया जाता है ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो थे इनके जन्मदिवस पर ये मनाया जाता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा,
क्योंकि एग्ज़ाम में जो है देश से संबंधित एक जो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए जो विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है इनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए कितने जो पैकेज की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन है 420 करोड़, 520 करोड़ रुपए, 720 या 250 करोड़ रुपए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 520 करोड़ रुपए की जो है राहत पैकेज की जो है मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाई टेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बना है। ये कौन सा राज्य है जिसने अपने जो स्कूल हैं इसके सभी उनमें जो डिजिटल माध्यम से जो पढ़ाई कराई जाएगी। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, केरल या झारखंड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल ऐसा जो पहला राज्य बना है जिसने अपने जो पब्लिक स्कूल हैं इनमें जो डिजिटल माध्यम से जो बच्चों का जो शिक्षा है ये कराई जाएगी। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने हाल ही में किन के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो हाल ही में जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इन्होंने जो 100 रुपये का सिक्का जारी किया है तो ये किन के सम्मान में जारी किया है। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर पारिकर, विजय राजे सिंधिया या सुषमा स्वराज। राइट आंसर रहेगा हमारा विजय राजे सिंधिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति को मंजूरी दी गई है। तो कौन से राज्य की सरकार है जिसने वृक्ष प्रत्यारोपण अर्थात जो वृक्ष लगाने की जो नीति है इसको मंजूरी दी है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या दिल्ली की सरकार। तो ये दी गई है दिल्ली की सरकार के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो दिल्ली की जो सरकार है इसने वृक्ष प्रत्यारोपण जो नीति है इसको मंजूरी दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा जो सुनील अब्राहम हैं इनको अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। तो ये जो सोशल मीडिया कंपनी है इसके द्वारा सुनील अब्राहम को अपना सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन है फेसबुक इंडिया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। ये जो सोशल मीडिया ऐप है तो इसमें जो ये फेसबुक इंडिया है इसने जो सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा जो सुनील अब्राहम है इनको अपना सार्वजनिक जो नीति निर्देशक ये नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोज कुमार भारती को किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये जो मनोज कुमार भारती है इनको किस देश का जो राजदूत है ये नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया या अफगानिस्तान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो मनोज कुमार हैं इनको मनोज कुमार भारती है इनको जो इंडोनेशिया देश है वहाँ जो नए राजदूत है ये नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है IIFL जो वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट है 2020 के इसके मुताबिक किसने जो उद्यमियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों एक तो थी जो पहले अमीर व्यक्तियों की जो लिस्ट जारी की गई थी 2020 की उसमें जो है मुकेश अंबानी ने प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। तो इसमें जो ये IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट इसमें है ये रिच लिस्ट 2020 तो इसके मुताबिक इसमें जो है उद्यमी पूछा गया है किसने प्रथम शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। ऑप्शन है नितिन कामत, राजेश शर्मा, मोहन प्रकाश या प्रकाश सिंह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नितिन कामत ने जो है इस सूची में जो है शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉल फॉर मिलग्रो एम रॉबर्ट बी को किस क्षेत्र में वर्ष 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। ये जो पॉल मिलग्रो और रॉबर्ट बी इनको जो है 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है तो इनको कौन से क्षेत्र में जाए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य या भौतिकी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो इन्हें सम्मानित किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना हेतु भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है? तो ये कौन सा राज्य है जिसने ये जो हाल ही में जो योजना चली हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसके तहत जो है भारतीय डाक के साथ साझेदारी की गई है, तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन है सिक्किम, राजस्थान, गोवा या मध्य प्रदेश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गोवा जो राज्य है इसके साथ साझेदारी की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अपने अंशधारकों की समस्या का त्वरित समाधान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन जो सेवा शुरू की है? ये कौन सा संगठन है जिसने व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शन है सरकारी भविष्य निधि संगठन जिसे ईपीएफओ भी कहा जाता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, या व्यक्तिगत भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, या भविष्य निधि संगठन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसने जो है व्हाट्सएप हेल्पलाइन जो सेवा ये शुरू की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्बानिया में भारत के नए राजदूत, ये जो अल्बानिया जो देश है यहाँ इसमें भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजेश शर्मा, प्रकाश सिंह, मोहन प्रकाश या राहुल श्रीवास्तव। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राहुल श्रीवास्तव। अल्बानिया में जो भारत के नए राजदूत के रूप में जो है राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको जो है इन क्वेश्चनों को एक नोटबुक पर नोट कर लेना है, जिससे आपको आगे आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको सहायता मिलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1952 के जो हेलसिंकी ओलंपिक है इसमें 400 मीटर भाला दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले धावक का कैंसर के कारण जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो इनका नाम क्या था? ये 1952 के जो हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे उसमें 400 मीटर की जो दौड़ थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तो हाल ही में जिनका कैंसर के कारण जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो इनका नाम क्या था? ऑप्शन है रोनाल्डो, चार्ली मूरे, मोनालिसा रे या शंकर रॉय। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चार्ली मूरे जो है ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1952 के जो हेलसिंकी ओलंपिक था इसमें 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, और हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में जो है कैंसर का इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? दोस्तों एग्जाम में जो है कई बार क्वेश्चन को जो है लाइनें आगे पीछे करके दे दिया जाता है, जिससे जो है बच्चे जो है ये उलझ जाते हैं कि ये जो है क्वेश्चन कौन सा है, लेकिन उनको जो है पहले वही जो क्वेश्चन होता है वो पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जो उनको भूल जाते हैं, इसलिए आपको जो क्वेश्चन को सभी दृष्टि से याद रखना है। तो ये जो किस राज्य सरकार जिसने हाल ही में सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पंजाब या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पंजाब की सरकार ने जहाँ महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब दोस्तों कल वाले जो है होमवर्क क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि फिनलैंड देश ने किसे एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया है? तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन ए, एवा मुर्टो। तो जलवायु और जो मानवाधिकार है इस पर सक्रिय रूप से अभियान चलाने वाली जो 16 साल की एक किशोरी है इसको एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है, और देश से जो लिंग भेद है इसको मिटाने के लिए एक अभियान के हिस्से के रूप में इस किशोरी को जो है सम्मान दिया गया है, और एक रिपोर्ट के अनुसार जो प्रधानमंत्री जो मारिन है इन्होंने एक दिन के लिए अपना पद किशोरी एवा मुर्टो के लिए छोड़ा है, और इस दिन एवा मुर्टो जो है राजनेताओं से मुलाकात करेगी और जो टेक्नोलॉजी में जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों पर भी बात करेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के हमारा क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर जॉन रीड का निधन हो गया है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या आयरलैंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता उतना लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो जो लंबे समय तक आपके माइंड में रहती है, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके उतना लिखा करें। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों
इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।